ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने डीमोनेटाइजेशन से बैंकों को हो रही दिक्कत पर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में कहा गया कि बैंकों में 100 रुपए के नोटों की भारी किल्लत है, इसके अलावा कैलिब्रेटेड ATM से भी लोगों को कैश नहीं मिल पा रहा। अगले 10 दिन तक स्थिति और भी खराब होने वाली है, क्योंकि बड़ी तादाद में सैलरीड क्लास और पेंशनर्स कैश निकालने के लिए बैंक में आएंगे और बैंक्स में कैश नहीं होने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। जो 100 रुपए के नोट बैंकों को मिले हैं वो भी खराब है और इन्हें पहले RBI को लौटा दिया गया था। ग्राहक बिन नोटों को लेने से मना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन गंदे नोटों से कैश काउंटर स्टाफ की हेल्थ खराब होने का भी खतरा है। चिट्ठी में कहा गया कि बैंकों को ग्राहकों का गुस्सा भी झेलना पड़ रहा है और इसके अलावा कुछ ग्राहकों की तरफ से अभद्र भाषा भी झेलनी पड़ रही है। बैंकों को नो कैश का बोर्ड लगाना पड़ रहा है, जिससे बैंक्स की छवि खराब हो रही है।